इसी के साथ समय हो गया है खबर दुनिया का और आप देख रहे हैं तमिलनाडु से जुड़ी हुई खबरें। साल में एक बार पड़ने वाला मुस्लिमों का सबसे बड़ा त्योहार ईद होता है और रमजान का महीना सबसे पवित्र माना जाता है। रमजान में रोजे रखने के बाद ईद आती है और लोग खुशी खुशी से मनाते हैं, लेकिन आपको बता दें इस बार कोरोना वायरस का कहर है, लॉकडाउन भी है, जिसके चलते कई गरीब लोग मजबूर हैं, खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है और ईद कैसे मनाएंगे। इसी को देखते हुए इम्तियाज अहमद जो कि बिजनेसमैन है और न्यूटाउन के रहने वाले हैं, उन्होंने लगभग 400 गरीब परिवार को राशन वितरित कराया ताकि वो ईद मना सकें, लॉकडाउन में अपना जीवन यापन व्यतीत कर सकें। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस महीने में जितना हो सके लोगों की मदद करनी चाहिए। इसी को देखते हुए उन्होंने लगभग 400 परिवारों में राशन किट वितरित की।